ईश्वर ही है और है कौन। कि मान्यता के चश्मे से नहीं देखना है, तुरंत अपने आप को याद दिलाना है इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या सच्चाई है, या किसी कारण से जब मान्यता बनाई गई तब वो सही थी मगर आज वह सही नहीं है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं,
सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं, मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने, सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले, सभी विश्वास कर पाए अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं, स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तपर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है,
उस बल का अर्जित तपका अर्पण करेंगे, तपर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो वाकई दुख क्या था? क्या वाकई दुख दुख था? दुख दुख नहीं था। दुख का दुख करके इंसान और दुखी होता है। पहले तो दुख आता है, फिर दुख का दुख आता है। अरे मैं दुखी क्यों? इसका दुख। क्रोध आया, फिर क्रोध पर क्रोध आता, मुझे क्रोध क्यों आता? क्रोध पर क्रोध। पछताता है, फिर पछताता इस बात के लिए कि मैंने पछताने में इतना समय क्यों गवाया, इसलिए और पछताता है। ये डबल दुख है। पहले तो डबल दुख से सिंगल दुख पर आओगे। इंसान जो डबल दुख भोग रहा है, जितना मिला है उतना दुख नहीं भोगता, पहले उसको डबल करता है। देखो मान्यता है तो यही होगा। अगर मान्यता नहीं टूटी तो क्या होगा? पहले कोई आपको दुख देकर जाएगा, फिर पहले आप उसको डबल करोगे, फिर भोगोगे। कोई आपको जो चीज दे रहा दुख भरी, उसको डबल करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि मान्यता के चश्मे से देखते हो। अब क्या पता चला? कि मान्यता के चश्मे से नहीं देखना है, तुरंत अपने आप को याद दिलाना है इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या सच्चाई है, या किसी कारण से जब मान्यता बनाई गई तब वो सही थी मगर आज वह सही नहीं है। अपने आप से पूछना क्या क्या मानकर मैं बैठा हूँ। एक एक चीज सामने आएगी, अरे मैं ये भी मानकर बैठा हूँ, ये भी मानकर बैठा हूँ, तो जवाब भी आएगा। आज तो बहुत सारे उदाहरण बताए, मान्यताओं का पुस्तक भी है, वो भी पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़ना। सभी मान्यताएं उसमें आई है, पत्तों वाली भी मान्यताएं, सब जो आज तक लोग मानते आए हैं, फॉरेन में अलग है, यहाँ पर अलग है। ठंड के मौसम में लोग हाथ मिलाने की प्रथा बनाते हैं, गर्मियों वाले देश में हाथ जोड़ने की प्रथा बनाते हैं, गर्मियों वाले इलाकों में रेगिस्तान में दफनाने की प्रथाएं बनती है, जहाँ पेड़ पौधे लकड़ियाँ बहुत है वहाँ जलाने की प्रथाएं बनती है। तो प्रथाएं बनती है समाज में, जो चीज़ें उपस्थित है उनको देखकर। कोई रेगिस्तान में लाशों को जलाने लगे तो पहले इतनी गर्मी, तो वहाँ अलग प्रथा बनेगी। इसका अर्थ कोई सुपीरियर है इन्फीरियर ऐसा नहीं है, कोई भी नीचे ऊपर नहीं है, सब अपनी जगह पर सही है। हम उसकी अंधश्रद्धा बनाकर न खुद को तकलीफ दें न दूसरों से झगड़ें, वो अपनी जगह पर सही है, झगड़ने का कारण नहीं है। तो ये समझ आपके अंदर से नफरत दूर करती है, इसलिए ये सब बातें आज हम समझ रहे थे। और इनको समझते हुए ये वृक्ष गिर जाए, और जो भी हम मूर्तियों के साथ मानकर डर रहे थे वो डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यता से दुख क्रिएट होता है, मालूम नहीं था इसलिए इंसान दुखी रहा, जैसे ही जानकारी आई दुख दूर हो गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Happy Thoughts.